वीडियो है नया ऑडियो लॉन्च हो रहा है, मतलब एजाज भाई से लेके, मतलब आपको थॉट कैसा आया कि ऑडियो मतलब क्रिएट करें और जो एजाज भाई से मतलब इनको एजाज भाई को कन्विंस करना हो? एक्चुअली गाना कहीं लिरिक्स एजाज भाई ने लिखा हुआ था, तो काफ़ी चीज़ें उनकी एक ढांचा भी थोड़ा सा गुनगुनाते रहते थे, तो उसको सही तरह से मैंने प्रेजेंट किया, फिर उनको म्यूजिकली सुनाया, उसके बाद एजाज भाई को एक्चुअल में वो गाना भी ना वो गाना उनके टाइप का ही है, नहीं कि वो लिरिकली उन्होंने लिखा था ना, तो वो सुनाते थे, तो उन्होंने सुनाया था, तो वीडियो में भी था, तो मैंने बोला भाई इसका गाना एकदम परफेक्ट बन सकता है, तो इसको म्यूजिकली हम करते हैं। एक्चुअल में भाई ने बहुत पहले ये गाना गाया हुआ था ऑलरेडी, दाऊद इब्राहिम के भांजे की शादी में गाया हुआ, तो काफ़ी बवाल भी मचा था, तो सेकंड बार हम लोग शूट वगैरह कर रहे थे उस टाइम पे भी भाई ने लाइव किया था एजाज भाई ने, तो हमने बोला कि इसको गाना अपन बनाते हैं और खुद आप गाओ, तो बोले मैं गाऊँगा, मैं तो गा नहीं सकता, मैंने बोला आप इतना अच्छा गाते हो, तो ऑलरेडी रैपर वैपर आ रहे हैं, इस टाइप के ही रैपर आ रहे हैं जो ऑलरेडी नाम कर रहे हैं, बम्बैया रैपर कोई नहीं आया, तो हमने बोले कि बम्बैया रैपर आएगा, फर्स्ट टाइम कोई बम्बैया रैपर है जो इस टाइप का रैप करेगा और गाएगा, तो ये उनके हिसाब से गाना था, तो हम लोगों ने बोला भाई आप ही गाओ और आप ही वीडियो करो, आप ही सब कुछ करो तो अच्छा रहेगा, तो उन्होंने कन्विंस हुए धीरे धीरे, फिर हम लोग उस पर काम करना चालू किया, काफ़ी टाइम थोड़ा सा गया क्योंकि उनके पास टाइम नहीं हुआ करता, क्योंकि वो शूटिंग वगैरह में बिज़ी रहते, तो ये गाना बना और आज फाइनली उसका रिकॉर्डिंग भी है और फाइनली नाइट में हम लोग शूट भी करेंगे, माशाल्लाह अल्लाह का करम है। डिफ़िकल्ट तो ऐसे नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी चीज़ें लिरिकली एकदम क्लियर थी, मीटर वाइज और सारी, और सिर्फ ये इनके स्केल वाइज था कि सिंगर वाला स्केल रखना है कि एक आर्टिस्ट वाला, तो ये कहीं ना कहीं गाना एक्सप्रेशन वाला सॉन्ग है, जैसे काफ़ी पुराने काफ़ी एक्टर गा चुके गाना, शाहरुख खान ने गाया है, आमिर खान साहब ने गाया हुआ है, सभी लोगों ने ऐसे गाना, तो ये एजाज खान साहब का इनका गाना इस तरह से शूटेबल था एकदम गाना, तो एकदम परफेक्टली एकदम गया कंपोजिशन वाइज और सारी चीज़ों में, और इनका स्केल भी ऐसा रखा है कि आसानी से वो गा ले वैसा है। नहीं नहीं अभी रिकॉर्डिंग तो आज हो रही है, तो म्यूजिकली पार्ट बनाने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि उनकी पर्सनालिटी को वो एकदम जस्टिफाइड करना चाहिए। वैसे हम लोग म्यूजिक भी देंगे ताकि डेवलप हो उनकी पर्सनालिटी और डेवलप हो, क्योंकि जिस टाइप का लिरिक्स आपने सुना दे गोली, फिर उस टाइप का म्यूजिक भी आना चाहिए, डंडन 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 डंडन, तो हाँ तो पब्लिक को थोड़ा सा करना पड़ता है ऐसा खुश करने के लिए कुछ अच्छी तरीके से, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये भी एक म्यूज़िक में एक बड़े लोगों के साथ काम कर रहा है, तो इसको भी था, इसके ऊपर भी प्रेशर था कि कुछ अच्छा करें अच्छा करें अच्छा करें, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा टाइम लगता है, तो आज टाइम लगा, लेकिन आज फाइनल ऐसा डे है कि हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और नाइट में हम लोग शूट भी करेंगे माशाल्लाह, और बहुत जल्दी एक दो हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह इसको रिलीज़ भी करेंगे। कैची सॉन्ग है और कैची सॉन्ग है, यूथ को वर्ड बड़े इंटरेस्टिंग और आसानी से कोई भी गा लेगा, बिकॉज उसका स्केल है ना, हम तुम भी गा लोगे आसानी से, एकदम आसान है। नहीं नहीं आसानी तो है क्योंकि पता चल गया कि एजाज भाई गा सकते हैं और उनके टाइप का एक्सप्रेशन सॉन्ग है और एनर्जेटिक है, इंटेंस है, एकदम डार्क है, थोड़ा सा उसमें एटीट्यूड है, सारी चीज़ें, एकदम मज़ेदार सॉन्ग है, मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, आपको शर्म नहीं होगी कि आप सिंगर नहीं हो। वो चल रहा है हमारा एक गाना, मतलब अभी वो सिंगर डिसाइड नहीं, ऐसे हम किसी का नाम नहीं ले सकते, नहीं 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 हम नाम नहीं डिक्लेयर कर सकते क्योंकि चीज़ें अभी होल्ड पर है, नाम किसी का लेना सही नहीं, क्योंकि गाना किया है हमने, गाना बड़ा है, तो वो सिंगर को लेके हमने भेजा है, सारी चीज़ जो दोनों तरफा होती तो हम उसके बारे में कन्फर्मली बोल सकते हैं कि हाँ ये सिंगर लेना है नहीं लेना है, या कोई सिंगर के साथ कर रहे हैं, तो चीज़ें होल्ड पर है। बाकी पर्सनली अभी मेरे जी म्यूज़िक से दो सिंगल ऑलरेडी रिलीज़ हुए, एक महीने पहले हुए, एक हमजुबा हो तुम और एक मेरे हौसलों को, और बाकी मेरे ये महीने में दो सिंगल्स और आ रहे हैं जी म्यूज़िक से, और एजाज भाई वाला गाना अलग, और एक्चुअली मेरा टीवी बैकग्राउंड भी चलते रहता है, कलर्स पे एक शो आ रहा है सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसका बैकग्राउंड भी मैं कर रहा हूँ, ये चल रहा है साथ में। यस ये सिंगल्स बन रहा है जो भाई डायरेक्ट कर रहे हैं, ये सदा भाई है ना, ये वीडियो डायरेक्ट कर रहे हैं, पिक्चर में नहीं जा रहा है, इसको हम लोग सिंगल ट्रैक, आजकल जो आजकल हाँ आजकल का जो मॉडर्न जमाना चल गया है कि आठ आठ गाने नहीं आके एल्बम में, अब एक गाने आते हैं, तो क्योंकि एक गाने में क्या खर्चा भी ज़्यादा नहीं जाता है, आठ गाने बनाना, आठ फिर हीरो हीरोइन, फिर बहुत खर्चा हो जाता था, प्रोड्यूसर को आना जाना कुछ नहीं क्योंकि कंपनियां सब लूट खा लेती हैं, उनको कुछ देना होना होता नहीं है, है ना, म्यूज़िक डायरेक्टर बेचारे को रॉयल्टी थोड़ा बहुत मिल जाती है लिरिक्स राइटर को, बाकी प्रोड्यूसर को कुछ तो मिलता नहीं है, तो इसलिए कि आजकल सिंगल गाने का ज़माना आ गया भाई, सिंगल है जिसमें जितना दम है वही बाजीराव सिंगम है और कुछ है नहीं भाई, है ना, तो यही है और कुछ है नहीं।
तो ये हम लोग गाना बना रहे हैं इंशाल्लाह, और गाना अच्छा जाएगा, मज़ा आएगा, गाना मज़ा अच्छी है, इंटरेस्टिंग है एकदम, मज़ा आएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, नज़ीब को लेकर एक शॉर्ट फिल्म बना था और एक साल हो गया, मतलब उसका स्टेटस में मतलब एक्चुअली मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी वेर इज़ नज़ीब, जिससे मुझे काफ़ी पहचान भी मिली, और मुझे दुख इस बात का है कि अभी एक साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, हमारी सीबीआई है, हमारी दिल्ली पुलिस है, एक साल हो गया लेकिन अभी इसे ढूंढ नहीं लाई, और उसकी माँ कितना परेशान है। आज नज़ीब जैसे तो बहुत सारे नज़ीब गायब हो रहे हैं और गायब होते रहेंगे, हिंदुस्तान चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि 100 सालों से ऐसे चलता आएगा और ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अगर बदलना है, अगर चेंज करना है, तो हमारे जैसे यूथ लोगों को आगे आना पड़ेगा। जैसे आज नज़ीब की माँ को जो सपोर्ट कर रहे हैं जेएनयू के कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ और भी हैं जो तरह तरह की संस्थाएं हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, छोटी मोटी संस्थाएं हैं जो बच्चों को लेके काम करती, वो कभी नहीं सपोर्ट ही नहीं कर रहे। अगर वो सपोर्ट करते, सरकार पे प्रेशर बनाते, जो बड़े बड़े एनजीओ है, तो आज नज़ीब वापस आ जाता। एक साल हो गया नज़ीब को गायब हुए, लेकिन नज़ीब अभी तक वापस नहीं आया है और ना ही उसकी कोई खबर है। मीडिया उसको अलग अलग तरीके से पेश कर देती, क्योंकि मसाले की ज़रूरत पड़ती है। उस माँ का दर्द नहीं दिखाए हैं जो कल पुलिस वाले उसे घसीट के लेके जा रहे हैं। एक साल पहले भी ऐसे घसीट के लेके गए थे जब वो प्रदर्शन करने उतरी थी। आज एक साल उस बच्चे को गायब हो गया, आज एक साल बाद भी सेम उसी तरीके से घसीटा जा रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है और होगा भी नहीं, क्योंकि हम नहीं आगे आ रहे हैं। कल का मेरा भाई गायब होगा, कोई आगे नहीं आएगा। तो मैं सारे आपके चैनल के माध्यम से सब दोस्तों और यारों, जितने यूथ है या फिर जितनी हिंदुस्तान की जनता है, उनसे बोलना चाहता हूँ, भैया अपने घरों से निकलो और उस नज़ीब के लिए लड़ो, नहीं तो आपके लिए कोई लड़ेगा नहीं। और आप जानते हो कि बाजू का कुछ हो जाता है तो सुनने नहीं आता है, आप तो बहुत दूर रहते हैं तो कहाँ से कोई आएगा। तो उस माँ के लिए, क्योंकि आज उस माँ ने एक इतिहास लिख दिया है, जिस तरीके से मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई, उस टाइप के आज इस माँ ने इतिहास रखा, क्योंकि अपने बच्चे के लिए लड़ी। ऐसे बहुत सारे बच्चे गायब हो जाए लेकिन माँ फिक्र नहीं करती, वो अपने किसी तरीके से जी लेती है, लेकिन आज उस माँ ने इतिहास रच दिया है। आज वो जिंदा हालत में रानी लक्ष्मीबाई है, जो अपने उस टाइम पे अपने राज के लिए उन्होंने जो कुछ किया, ये अपने बच्चे के लिए कर रही है। मैं सलाम करता हूँ इस माँ को, सलूट है, पूरे हिंदुस्तान को सलूट करना चाहिए इस माँ को जो अपने बच्चे के लिए लड़ रही है। और मैं सरकार से, मोदी सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, सीबीआई पुलिस से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग इस पे बेहद ठोस कदम उठाए, क्योंकि एक साल हो गया है, आपकी नाकामी यही बता रही है कि आप कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। तो आप ये गुस्सा, यूथ का जो गुस्सा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, कहीं ये आपके ऊपर ना आ जाए, इससे पहले आप कुछ ऐसा कदम उठाओ, नहीं तो ये सिकंदर का गुरूर नहीं टिका तो आपका क्या है। 5 साल में हर किसी की सरकार आती है और जाती रहेगी, आप भी चले जाओगे, तो कुछ नाम करके जाओ, कुछ अच्छा करके जाओ, उस माँ के बारे में बोलो, ताकि आपका भी नाम रोशन हो। मोदी जी भी एक किसी के बेटे ही है, पैदा तो वो भी हुए हैं ना किसी की माँ की कोख से, तो आप उस माँ का दर्द समझो और जानो। और मोदी जी से बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप उस बच्चे को ढूंढ के लेके आओ। थैंक यू।